सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सरीला में मामूली विवाद पर हुई फायरिंग से मचा हड़कंप, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। थाना जरिया सरीला कस्बे में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब ब्रहरा रोड पर कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के पीछे की वजह एक किशोर बिमल को बाइक पर टक्कर लगना बताई जा रही है। फायरिंग की सूचना मिलते ही सीओ मानिक चंद मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जरिया थाना क्षेत्र के सरीला कस्बे के ब्रहरा रोड पर लक्ष्मण लाइनमैन के घर के पास रात करीब 9:30 बजे बाइक सवारों ने बिमल 12 वर्ष को टक्कर मार दी थी, जिससे आक्रोशित पड़ोसियों ने बाइक सवार युवकों की से नोकझोंक हो गई व मारपीट हुई। किसी तरह लोगों के चंगुल से छूटे युवक मौके से भाग गए। कुछ देर बाद पहुंचे अज्ञात युवकों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 5 राउंड फायरिंग की गई। गोलियां चलने की आवाज से बस्ती में हड़कंप मच गया। जरिया थाना अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने कहा कि पीड़ित राजन पुत्र लक्ष्मण की तहरीर पर 2 नामजद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अमित सुनहटा थाना आटा जनपद जालौन, राजन प्रजापति गुरुदेवपुरा सरीला सहित कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामूली विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित के आरोपियों की पहचान कर धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आ रहे थे, एक रेड कलर के अपाचे आए, उसने थोड़े से धक्का गला, हम नीचे गए तो उसने थोड़े कह रहे हमारी गाड़ी के नीचे मन ना क्या, उसने एक चाटा मारा और कह रहा हमें 306 लगी है, एक और लग जाएगी, बस हम फिर हमारे बड़े आप आ गए, हम घर आ गए। वो टहलने निकला था, टहलने के बाद जब वो घर जा रहा था सामने से एक अपाचे गाड़ी आई, उसमें कुछ 2 लड़के मौजूद थे, जिसमें एक लड़का अमित कुमार सुनैटा है, दूसरा लड़का राजेंद्र कुमार प्रजापति है जो सरीला का है। उनसे गाड़ी की थोड़ी टक्कर हुई उस बच्चे से, बच्चा गिर पड़ा। बच्चे ने गिरने के बाद उनसे कहा भैया सॉरी गलती से मैं गिर पड़ा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसको गाली गलौज की, बच्चे को। उनके बड़े पापा आए तो उनसे भी उन्होंने गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। इसके बाद किसी प्रकार समझा बुझा के उनको भेजा गया, दोनों लड़कों को जो गाड़ी में आए थे अपाची में। जाने के बाद कुछ 10 मिनट बाद पुनः वो लड़के आए दोबारा, उनसे कुछ बदतमीजी हुई और उन्होंने दोबारा से बदतमीजी की और मारपीट हुई। इसके बाद जब वो फिर पुनः मारपीट के बाद चले गए, फिर वो पुनः वो 3 गाड़ी लेके आए जिसमें 12 लोग मौजूद थे। उन्होंने 10 फायरिंग किया हवाई, 3 किया उन्होंने कारकदेव मोहाल में और बाकी के साथ फायरिंग उन्होंने इनके घर के बाहर किया। बस पूरी उनका एक कार्टून। कितने लोग मौजूद थे? 12 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक अमित कुमार सुनैटा था, एक राजेंद्र कुमार था प्रजापति, वो सरीला का ही है, और दूसरा भगवती कुशवाहा था, वो भी सरीला का है, और तीसरा लड़का जो इनके गुरु का सरगना बताया जा रहा है वो अखिलेश कुमार है, वो यहाँ मौजूद था। उसका यहाँ होने का ना होने का ऐसा कोई। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाए।